बहुत-बहुत hey स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में कल हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन नंबर सेवनटीन फाइव यानी ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात की थी और कल हम लोगों ने क्रेडिट के जितने भी क्लॉजेस है सबके सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने कुछ दो तीन क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आज वाली क्लास में मतलब कल मैंने कहा था कि कल मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने इसके बहुत सारे क्वेश्चन नंबर नंबर पे पर एंड आई थिंक क्वेश्चन या 31 तक मेरे पास है और बैक टू बैक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं तो आज की क्लास में यस टोटल थर्टी वन क्वेश्चन आई हैव और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं तो uh, कल जो हम लोगों ने ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा था आप लोग उसको रिवाइज करके आए ही होंगे अगर नहीं रिवाइज करके आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू अच्छा खासा उसका रिवीजन कर लेंगे लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं आप लोगों को अपना शेड्यूल बता देता हूं तो मैं प्लस पर ट्वेंटी थ्री के स्टूडेंट्स को डी टी पढ़ाने के लिए मैं प्लस 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 के Unacademy Plus, Unacademy Plus के मंजिल बैच में लाइव आता हूँ मंजिल बैच में लाइव आता हूँ रोज सुबह सवा दस बजे ठीक है डमी प्लस के मंजिल और नोवर ट्वेंटी टू और मे ट्वेंटी पर पर वो बात अलग है आज मैं आपके सामने लाइव नहीं हूँ लेकिन साक्षात रिकॉर्डेड मोड में आप लोगों के सामने हूँ ठीक है तो आ, बाकी जो भी यहाँ पर मैं नोट्स वगैरह यूज करता हूँ वो सारे के सारेडमी प्लस में शेयर कर देता हूँ आई शेयर गूगल ड्राइव लिंक और उस गूगल ड्राइव लिंक पर सभी नोट्स और लेक्चर ट्रैकर और पुराने लेक्चर्स और जितने भी अभी तक डी टी के सब हुए हैं अलॉग विद लिंक्स एंड द कॉन्टेंट्स एट वीफ कवर्ड इन दो लेक्चर्स वो सब कुछ ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ तो अगर आप में से किसी के पास भी अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है तब तो आप लोग उसको बहुत आसानी से एक्सेस कर लोगे जस्ट गो टू तो मंजिल बैच एंड मेरी कोई भी क्लास आप लोग ज्वाइन कर लो तो वहाँ पर चैट बॉक्स में आपको वो लिंक पिंड दिख जाता है लेकिन अगर आपके पास अनकेकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है वो मैं आप लोगों को इस क्लास के एंड में बताऊँगा ठीक है अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू हो जाते हैं और करने लगते हैं बैक टू तो बैक बैक टू तो बैक तो क्वेश्चन ठीक तो है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर लेट्स सी डोंट वरी अगर किसी ने रिवाइज किया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोग अपने आप को स्कोर देते रहना प्लीज ठीक है और ओवरऑल स्कोर बताना आप लोग मतलब हम लोग यहां पर कितने पंद्रह सोलह क्वेश्चन करने वाले लाइक आई थिंक सेवेंटीन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ ठीक है तो अभी ये सत्रह क्वेश्चंस के आप लोगों को ये काम करना है कि इन सत्रह क्वेश्चंस में आप अपने आप को स्कोर दोगे और इन सत्रह के सत्रह क्वेश्चंस का स्कोर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे ठीक है क्योंकि अभी लाइव तो है नहीं क्लास लाइव होती तो मैं आप लोगों के स्कोर देख लेता हूं मेरे को एक आइडिया लग जाता है कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग एंड हाउ मच यू आर रिवाइजिंग एन एवरीथिंग राइट अभी आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को बस कमेंट सेक्शन में अपने आप को स्कोर देना है जैसे इस वाले क्वेश्चन में सात पॉइंट्स है राइट तो आउट ऑफ सेवन आप अपने आप को स्कोर दोगे फिर ऐसे ही हर हर क्वेश्चन में किसी में छह पॉइंट्स होंगे किसी में चार पॉइंट्स होंगे किसी में पांच पॉइंट्स होंगे तो आप उन क्वेश्चन में अपने आप को पॉइंट्स दीजिए मेक दिस एज इंटरक्टिव एज यू कैन एंड आप अपने आप को पॉइंट्स दीजिए आप लोग अभी लाइव चैट में अगर करना चाहते हो तो कर दो नहीं करना चाहते हो मत करो ये लाइव चैट तो मैं नहीं देख पाऊंगा बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ठीक है तो अभी आप अपने आप को हर स्कोर का कमे... हर स्कोर पे मार्क्स दीजिएगा तो आप लोगों को क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर 15 जैसे सपोज आप में से लेट्स सी कविन है ठीक है तो कविन आप आपको क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर 15 आप करोगे क्वेश्चन नंबर 15 और आपका स्कोर आ जाएगा सेवन ऑन सेवन ठीक है फिर आप वहीं पर करोगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एंड वट तो सेवन बाई सेवन ये लिखना जिससे पता चल जाए कि कितना आउट ऑफ हाउ मच योर स्कोर इज जो भी आपका स्कोर आया कुछ तो उड़ते हुए आगे मेरे चश्मे पे मैंने उसको फूक मार के आगे उड़ा दिया ठीक है Having said that, let's get started with today's very energetic and very amazing session. बहुत सारे questions का बहुत सारे questions की प्रैक्टिस होगी हम एग्जाम के questions भी आरटीपी के क्वेश्चन भी करेंगे तो यूल एक्चुअली गेट टू नो के इनपुट टैक्स क्रेडिट से ब्लॉग्ड क्रेडिट के क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं राइट चलिए आइए तो डिटर्मन दि अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसबल पी क्यू आर लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स प्रोक्योर्ड बाई इट इन द मंथ ऑफ जनवरी तो जनवरी के महीने में इन्होंने गुड्स को प्रोक्योर किया है उसमें क्या 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 इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा लेट्स गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग तो इस पर तो, इस पे तो आप लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हो जाता है और ऑन ओन अकाउंट अगर आप ये कर रहे हो बेसिकली वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये आपने अपनी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को करवाया और अपनी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को करवाने के लिए आप इसमें गुड्स को यूज कर रहे हो ठीक है तो एक और फ्लोर अगर आप बनवाओगे ऑफिस बिल्डिंग की तब तो वो एक एडिशनल फ्लोर बन जाएगी तो दैट विल बी अ कैपिटल एसेट तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कैपिटलाइज होगा तो इसमें आपका आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आप लोग नोट्स तो बाद में पढ़ ही लेना पैकिंग मटेरियल्स यूज इन फैक्ट्री डेफिनेटली मिल जाएगा अब पैकिंग मटेरियल्स मटीरियल फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरस ऑफ बिजनेस यूज हो रही है तो डेफिनेटली इसका आप लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा छह हजार रुपये का इसका आपके पास क्रेडिट आ जाएगा फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज तो जो भी गुड्स आपके लॉस हो जाते हैं स्टोलन हो जाते हैं डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं उनका तो आपको क्रेडिट मिलता नहीं है तो ये बारह का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा लेट्स सी गुड्स यूज़ फॉर रिपेयरिंग ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है तो अगर आप रिपेयर्स करवाते हो मतलब कंस्ट्रक्शन एक तरह से रिपेयर्स वाला करवाया आपने कंस्ट्रक्शन करवाया लेकिन रिपेयर्स वाला करवाया और इसके खर्चे को आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया तो इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा तो इस बारह हजार रुपए का क्रेडिट आप लोग ले सकते फिर पेपर ऑफ पेपर फॉर फोटो कॉपिंग मशीन यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अगेन पेपर मंगाया है लेकिन ये इन द कोर्स और ऑफ बिजनेस है है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में इसको यूज किया जा रहा है, तो फिर आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा हमेशा ध्यान रखना हमेशा ध्यान रखना कि आपको यूजुअली हर चीज का क्रेडिट मिल जाता है एक्सेप्ट फॉर वो जो ग्यारह क्लॉजेस सेक्शन सेवनटीन सेक्शन फाइव में थे ठीक तो है तो ऐसे मत सोचना कि सर ये तो हम अपने अल्टीमेट कंज्यूमर हो गए या ये तो क्या हो गया ये तो ऐसा ऐसा हो गया ठीक है इसमें ऐसा मत सोचना कि आई एम आइंद अल्टीमेट कंज्यूमर तो इसका क्रेडिट मेरे को नहीं मिलना चाहिए हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा आपको सिर्फ उन्हीं गुड्स के बारे में सोचना है जो कि सेक्शन सेवनटीन सब सेक्शन के अंदर है राइट आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो ठीक है लेकिन आप इसको फॉर द कोर्स ऑफ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंज्यूम कर रहे हो ना तो फिर आपको चलेगा राइट आप उसका क्रेडिट ले सकते हो ठीक गुड्स गिवन एज गिफ्ट गिफ्ट वाला स्पेसिफिकली डिसअलाउड है तो इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अच्छा पेपर्स का 950 का तो लिख दूसरे और ये जो गिफ्ट है इसका आपको नहीं मिलेगा इनपुट्स यूज़ फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक तो अगर आप टेस्ट या क्वालिटी तो है तो ये पंद्रह हजार छह सौ का भी क्रेडिट आपको यहां पर मिल जाएगा और आपका टोटल कितना आएगा छह हजार प्लस बारह हजार प्लस साढ़े नौ सौ प्लस पंद्रह हजार छह सौ कितना थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी 34,550 ये आपका आ जाता है अब इसका जो नोट्स वगैरह वो आप लोग अपने आप से पढ़ लीजिएगा लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 आइए हम लोगों को देखना है यही कि इसमें से कौन कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलेगा कौन कौन सा नहीं मिलेगा लेट्स स्टार्ट सबसे पहले आप अपना स्कोर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में था। हर क्वेश्चन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन को ओपन करके रखो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर डालते रहो ठीक है अब मतलब जैसे अभी इसमें आपके जितना भी स्कोर आया होगा तो डायरेक्टली अभी क्योंकि प्रीमियर चल रहा है तो प्रीमियर में तो कमेंट सेक्शन भी ओपन रहता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बस अपना डाल दीजिए लिख के रखिए उसको सेंड मत करिए ठीक है फिर आप हर क्वेश्चन के बाद आपकी एक एक लिस्ट बनती रहेगी और उसके बाद आप एक साथ सेंड दबा दीजिएगा तो हर स्टूडेंट का मेरे को इंडिविजुअल क्वेश्चन के स्कोर पता चल जाएंगे ग्रेट राइट right? चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब क्या हो जाता है कि मैं अपने यूज के लिए फैक्ट्री में इसको यूज कर रहा हूं तो फैक्ट्री में यूज कर रहा हूं तो बेसिकली कुछ भी मैन्युफैक्चर में कर रहा तभी मैं फैक्ट्री में यूज कर रहा हूं तभी मेरी फैक्ट्री है तो मैंने कुछ गुड्स खरीदे उनको मैं फैक्ट्री में आगे वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर रहा हूं कैप्टिव कंजम्प्शन का यही मतलब होता है कि मैं आगे जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें मैं फैक्ट्री में ही यूज कर ले रहा हूं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खरीद के सामने बेच रहा हूं ठीक है मैंने खरीदा और उसको फैक्ट्री में एज इट इज यूज कर लिया तो ये इन द कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस हो जाएगा तो इसका क्रेडिट हम लोगों को मिल जाएगा 9,800 का क्रेडिट मिल जाएगा आगे देखिए गुड्स परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड द सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स तो भले ही रिपेयर हुआ है लेकिन कैपिटलाइज हो गया है तो इसलिए इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा

फूड एंड बेवरेजे परचेज फॉर द्लॉज जूरिंग ऑफिस आर्स नॉट अंडर स्टैचुट्री ऑब्लिगेशन तो अगर आप अपने फूड एंड बेवरेजेस की सर्विसे फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड करवाते हो तो आपको उसका क्रेडिट तभी मिलता है अगर उसमें स्टैचुट्री ऑब्लिगेशन हो आप किसी स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन किसी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत किसी एक्ट में लिखा हो या कुछ हो तो आप अगर तब अपने इंप्लॉइज को कुछ सर्विसेस प्रोवाइड करवाते हो या इस टाइप की फूड की तभी आप लोगों को उसका क्रेडिट मिलता है अदरवाइज इसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो यहां पर भले ही ऑफिस आर्स में किया हो लेकिन इट इज नॉट अंडर स्टैचुट्री ऑफ अब्लिगेशन तो इस 8400 रुपए का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा एंड ये हो जाएगा अब इसका टोटल कर लेते हैं आप लोग आउट ऑफ़ ये कितने थे फाइव थे तो आउट ऑफ़ फाइव आप अपना स्कोर लिख दो कमेंट सेक्शन में ठीक है 9800 प्लस 14000 प्लस 14560 ये आ जाता है आपका thirty eight thousand three hundred and sixty thirty eight thousand three hundred and sixty ठीक चलिए ये

तो गुड्स गिवन एस फ्री सैंपल्स टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तो अगर आप फ्री में कुछ भी चीज बांटते हो अपने भले ही वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो लेकिन कोई भी गुड्स अगर आप फ्री में देते हो तो उस पर आपको उसका आई टी सी आपको नहीं मिलता है तो इसका भी आई टी सी आपको नहीं मिलेगा ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स इन द फैक्ट्री तो ट्रक्स जो है वो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स में नहीं आते हैं इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स वो मोटर व्हीकल्स होती हैं जिनमें जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए बनी हुई होती हैं और जिनमें सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम होती है इंक्लूडिंग द ड्राइवर यहां पर आपके पास ट्रक्स है जो कि फैक्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इसका क्रेडिट आपको बिंदास मिल जाएगा आप ग्यारह हजार रुपए का क्रेडिट अवेल कर सकते

ठीक है आप ये मत सोचिएगा कि मैं अजम्शन लिख दूं अगर तो फिर मैं वो क्रेडिट दे दूँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आईसीआई का क्वेश्चन है सजेस्टेड में आईसीएआई जब अजम्पन नहीं लेना तो आपको भी लेने की कोई खास जरूरत है नहीं तो आप इसका अजम्पन नहीं लेंगे और ये आपको इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा नेक्स्ट लास्ट ंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर uh, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसका आपको रिडक्शन मिल जाता है तो एट जीरो फाइव जीरो वाला आई टी सी आपको मिल जाएगा मैं बीच बीच में गलती से बट आई टी सी है तो ग्यारह हजार प्लस नाइन एट फाइव जीरो प्लस एट जीरो फाइव जीरो आ जाता है आपका ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड अब आप लोग अपना स्कोर नीचे कमेंट कर दीजिएगा ट्वेंटी हंड्रेड ये आ गया है आपके सामने ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी पे आ जाओ अच्छा इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें लेकिन फिर भी आप वन ऑन वन अपना स्कोर uh, कर देना क्योंकि इसमें मल्टीपल पॉइंट्स नहीं है ना तो एक ही पॉइंट है तो इसमें आप आप अपने को एक नंबर दे देना आउट ऑफ वन अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ मेरा जो गेस था मेरा जो आंसर था वो सही था वो मैच कर रहा है ठीक देखो एन एलीट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सर्विस ऑफ ट्रेनिंग पायलट इन फ्लाइंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट सो दैट कैंडिडेट्स बिकम एलिजिबल फॉर ऑप्टेनिंग एविएशन लाइसेंस तो फ्लाइंग uh, हवाई जहाज उड़ाना सिखाया जा रहा है डिटर्मिन वेदर दूट इज क्रेडिट ऑन एयरक्राफ्ट परचेज फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग मिल जाएगा ठीक है हम लोगों ने बात की थी वेसल्स और एयरक्राफ्ट पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा अगर एलिजिबल के लिए यूज किया हुआ है। और वन ऑफ द एलिजिबल वॉज इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग और यू नो कंट्रोलिंग द वेसल वगैरह तो यहां पर ये फ्लाइंग स्कूल है ये फ्लाइंग स्कूल चला रहा है तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट खरीदेगा बिना उसके सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा तो इसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा

तो ये बेसिकली कृष्णा मोटर है क्या ये कार डीलर है ये कार डीलर है कोई एक इंटरनेशनल कार कंपनी है कोई एक इंटरनेशनल कार कंपनी है वो गाड़ियां बनाती है जिसमें सीटिंग कैपेसिटी लोगों की होती है ठीक है जिसमें सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर को मिलाकर सात लोगों की होती है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है और सीटिंग कैपेसिटी थर्टीन पीपल से कम है तो ये इन एलिजिबल मोटर व्हीकल तो हो गई लेकिन ध्यान रखना यहां पर कृष्णा मोटर्स है क्या कार डीलर है तो ये होलसेलर से खरीदता है और आगे रिटेलर को बेच देता है तो क्या इसको इस कार की परचेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा हाँ मिल जाएगा पता नहीं वो सवाल है भी या नहीं हमें नहीं पता कि वो सवाल है भी नहीं या नहीं लेकिन आज मैंने सुबह डीटी टी की क्लास में भी बोला था कि मैं एक एक लाइन पढ़ के जो थॉट्स मेरे दिमाग में चलते हैं ना वो थॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जिससे यू ऑल्सो लर्न कि किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर सोचा जा सकता है

इट सीक्स एडवाइस ऑन आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस ठीक है तो अभी हम लोगों को यह पता चला कि कृष्णा मोटर्स करता क्या क्या है अब हम दो पॉइंट्स देखेंगे जो दो पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए इन दो पॉइंट पर कृष्णा मोटर्स को आई अवेलेबल होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है ठीक है आओ देखते हैं तो अब आप लोगों को आउट ऑफ टू अपना स्कोर देना है पहला वाला पॉइंट क्या था कार्स परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार्स

तो जो भी कार्स परचेस किए हैं उनका तो क्रेडिट आपको मिलेगा तो चलो आउट ऑफ थ्री दे देना आपने आपको स्कोर क्योंकि पहले वाले पॉइंट में तीन दो क्वेश्चन गए ना तो आउट ऑफ थ्री दे देना आपने आपको स्कोर पहले वाला कार्स परचेज तो देखो कार्स परचेज का तो क्रेडिट आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है इसमें तो सभी ने सही किया होगा दूसरा पॉइंट इसमें बोला कि दो गाड़ियां जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी

जो गाड़ियां कस्टमर से भिड़ा दी गिरा दी तोड़ दी उनका आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा और अगर आप कार वॉशिंग शेड के लिए एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहे हो तो इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा आई होप ये वाली बात आपकी क्लियर है आउट ऑफ थ्री आपका जितना भी स्कोर आया वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा लिखना कैसे वो आप देख लेना ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर इसमें चार पॉइंट्स हैं इन चारों पॉइंट्स को देखो आउट ऑफ फोर आपका जो वो आएगा जो भी आपका आंसर आएगा वो आउट ऑफ फोर आएगा तो लेट्स सी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स ठीक है अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हो तो क्या आपको इनका क्रेडिट मिलेगा क्या आपको इनका क्रेडिट मिलेगा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं

और कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट ब्लॉक्ड और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ब्लॉक्ड लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स प्रोक्योर कर रहे हो तब तो ये आपके कैपिटल गुड्स हो गए और कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिल जाता है तो ये तीन लाख साठ हजार आई टी सी बहुत आराम से मिल जाए ठीक ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स टू द फैक्ट्री इसका तो मिल ही जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहली भी बात हुई दो लाख चौबीस हजार रुपए आज ही की क्लास में बात हुई हमने की रॉ मटीरियल तो ये तो इनपुट्स हो गए इस पर भी बहुत आराम से मिल जाएगा दो लाख ये भी मिल जाएगा नेक्स्ट कन्फेक्शनरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ वर्किंग इन द फैक्ट्री अंडर स्टैच्री ऑब्लिगेशन तो अभी ये स्टैचुट्री ऑब्लिगेशन के तहत है तो स्टैचुट्री ऑब्लिगेशन है तो इस पच्चीस हजार का भी आपको आई टी सी मिल जाएगा ठीक है तो तीन लाख साठ हजार प्लस दो लाख चौबीस हजार प्लस दो लाख प्लस पच्चीस हजार दिस कम्स टू आठ लाख नौ हजार नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर आते हैं यहां पर भी चार पॉइंट्स हैं तो आप अपना स्कोर आउट ऑफ फोर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा लेट्स एक्स वाई जेड लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स कंप्यूट द आईटीसी सी अवेलेबल विद एक्सवाई जेड लिमिटेड

क्योंकि जब भी गुड्स लॉट्स में मिलते हैं सेक्शन 16 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी गुड्स लॉट्स में मिलते हैं तो लॉट लॉट जो आखरी जिस महीने मिलता है उस महीने आप लोग पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो क्या यहां पर में आते हैं, तो अवेलेबल नहीं होता है जहां पर क्रेडिट वाली बात हम लोगों ने कल वाले सेशन में की थी वो ये बात थी कि अगर कुछ गुड्स को मैं पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं और कुछ गुड्स को मैं इन द कोर्स फर्दर ऑफ बिजनेस कर रहा हूं तो आई मुझे सिर्फ उतने का ही मिलेगा प्रोपोर्शन

लाख अस्सी हजार एक्स वाइज एट लिमिटेड गुड्स एट फुल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर दिया एज इट विल अवेल डेप्रिसिएशन ऑन द फुल इनवॉइस वैल्यू ये तो बहुत ही बड़ा पाप हो गया ठीक है क्योंकि फुल इनवॉइस वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो फुल इनवॉइस वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग द जीएसटी आप अगर उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो क्या आप उस पर आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो तो आंसर इज नो तो अगर ये कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है तो इस पे आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता है नेक्स्ट इनपुट सर्विसेज दो लाख पचास हजार की वन इन डेटेडियथ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी हो गया जीएसटी पेबल ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीजी रिसीव इन अक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में मिली है अच्छा ठीक है तो आईटीसी को क्लेम करने की जो लिमिट थी वो क्या लिमिट थी वो ये लिमिट थी कि या तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का एनुअल रिटर्न या फिर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन का जो सितंबर था उसका उसका मंथली रिटर्न तो मंथली रिटर्न के लिए क्या डेट आती थी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी वन या फिर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी की एनुअल रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर तब तक आप आई क्लेम कर सकते हो आइए देखते हैं कुछ और लिखा है क्या All the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. Very good. XYZ Company Limited is not eligible for any threshold exemption. Very good. The annual return for the financial year 2021 was filed on 15th September 2021. ठीक है। तो 15th September 2021 और 20th October 2021 विचार इस बिंदु को मैं रिपीट कर रहा हूं। ITC क्लेम करने की जो टाइम लिमिट होती है, वो टाइम लिमिट क्या होती है? जिस फाइनेंशियल ईयर का ITC है उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिटर्न आप जब तक फाइल करते हो या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर होगी क्या होगी 20 अक्टूबर 2021 और फाइनेंशियल 20, फाइल किया गया एनुअल रिटर्न का फाइल किया गया एनुअल रिटर्न फाइल किया गया 15 सितंबर को एनुअल रिटर्न फाइल किया गया 15 सितंबर को ठीक है तो अब मेरे को एक बात बताओ अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या इसका जो अक्टूबर में इसको मिला है पचास हजार रुपए का इसको अक्टूबर में मिला है वो इसको मिल जाएगा वो इसको मिल जाएगा जल्दी से बताएं आप लोग जल्दी से बताएं क्या इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा पचास हजार रुपए का आंसर इज ठीक है पंद्रह सेप्टेंबर को जब रिटर्न फाइल हो गया तो 15 सितंबर के बाद ये पचास हजार रुपए का आपने अगर क्लेम करना आप चाह रहे हो इसकी इन्वॉइस आपको 15 सितंबर के बाद मिल रही है तो इस पचास हजार रुपए का आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते ठीक है तो दो लाख पचास हजार में से इस पचास हजार को माइनस करोगे और आप डिडक्शन आप आई क्लेम करोगे सिर्फ और सिर्फ दो लाख रुपए का आप आई क्लेम करोगे दो लाख रुपए का आई होप यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियरली समझ में आ गई है ठीक है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थी फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस थी आईटीसी क्लेम करने के लिए दो लिमिट्स या तो ट्वेंटी या तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न सेवेंटी वन फिफ्टीन सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विच एवर इज अर्लियर सो दिस इज दर्लियर ठीक है तो फाइनेंशियल 2021 से रिलेटेड कोई भी आईटीसी की इनवॉइस अगर आपको 15 सितंबर के बाद मिलती है, तो है लाख के थे और इन ढाई लाख में से कैपिटल गुड्स पे इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स आपने ढाई लाख रुपए दिया हुआ था और इस ढाई लाख में से जो पचास हजार का टैक्स था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इनवॉइस थी वो अक्टूबर में मिल पाई है मतलब पंद्रह सितंबर के बाद मिली है तो फिर इस पचास हजार का तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा लेकिन हां जो ढाई लाख रुपए थे उनमें से पचास हजार का माइनस करके दो लाख का क्रेडिट आप लोग ले सकते हो तो इसमें आउट ऑफ फोर आपके कितना स्कोर आया ये आप लोग कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मजा आ रहा है बहुत क्वेश्चन नंबर बाईस आओ देखो

दो सौ रुपए का आपको कोई मिलेगा उज्ज्वल मोटर्स लिमिटेड अगर रूटीन मेंटेनेंस कर रहे हैं उज्जवल मोटर्स लिमिटेड अगर रूटीन मोटर्स कर रहे हैं इनका काम ही क्या है इनका काम है क्या इनका काम क्या है मोटर्स है ठीक है तो इनका तो काम ही यही है ना तो ये तो अपनी सर्विसेज में इसको रूटीन मोटर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय उज्जवल मोटर्स तो जो जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो ये उज्जवल मोटर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी सर्विसिंग दे रहे हैं तो उस, उसकी उसकी सर्विसिंग का तो टैक्स का क्रेडिट ये लोग लेंगे ही लेंगे बहुत आराम से इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया ठीक है तो ये जो अठारह हजार है ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो जाएगा इसलिए इसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा रूटीन मोटर्स का आपको क्रेडिट मिल जाएगा अट्ठारह हजार रुपए रखना रूटीन मोटर्स है सॉरी रूटीन सर्विसेज है अपनी बनाई हुई मोटर्स पर इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज कर रहे, तो रहे हैं तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा रिपेयर सर्विसेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिनेटली मिल जाएगा रेवेन्यू है तो चौदह हजार चार सौ का आपको ये मिल जाएगा आगे देखिए ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू इम्प्लाइज ऑनशन रुपए का भी आपको reduction, मतलब ITC मिल जाएगा फिर टेस्टिंग सर्विस इंजीनियर्स तो ये भी आपका इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नौ हजार रुपए का ये भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा आउट ऑफ सिक्स आप लोग अपना स्कोर कमेंट करिएगा तो सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस एटीन थाउजेंड प्लस फोर्टीन फोर हंड्रेड प्लस थ्री थ्री सिक्स जीरो प्लस नाइन थाउजेंड दिस इज वॉट फिफ्टी वन नाइन सिक्सटी फिफ्टी वन नाइन सिक्सटी हम्म सर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में कितने पॉइंट्स हैं छह पॉइंट्स हैं लेट्स सी xyz limited is engaged in supplying taxable goods has availed the following services in the month of september 2021 compute the income ta input tax credit admissible on such input services. ठीक सेल्स प्रमोशन सर्विसेज बिल्कुल मिल जाएगा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो 16200 का ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज अवेलड फ्रॉम फिजिक क्लब फॉर अपकीप ऑफ हेल्थ ऑफ देयर एम्प्लॉईज ठीक है हेल्थ की मेंबर हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज सर्विसेज अपने employees के लिए द सेट आर नॉट सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन तो अगर सरकारी ऑब्लिगेशन के थ्रू नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा ये इसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इधर देखो हायरिंग ऑफ मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंप्लॉयज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोटर बसेज फोर्टी पैसेंजर्स डेफिनेटली मिल जाएगा क्योंकि इन एलिजिबल मोटर व्हीकल है ही नहीं तो चार हजार पांच सौ रुपए का आपको क्रेडिट मिल जाए एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है तेरह तेरह लोगों से ज्यादा की सीटिंग कैपेसिटी है बहुत आराम से मिल जाएगा आगे मार्केट रिसर्च सर्विसेज़ डेफिनेटली इन द कोर्स ऑफ फर्दरस ऑफ बिजनेस है तो ये दस हजार आठ सौ का भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज बिल्कुल मिल जाएगा अठारह हजार का क्योंकि ये भी, of of है, तो इस का भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा आगे, of building, तो अगर आप ऑफिस बिल्डिंग का फ्रेश कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो फिर ये स्पेसिफिकली डिसउड है तो इसका आपको कोई आई क्रेडिट नहीं मिलेगा सोलह हजार दो सौ प्लस चार हजार पांच सौ प्लस दस हजार आठ सौ प्लस अट्ठारह हजार एंड आंसर कम्स टू फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो आप लोग इसका कर लीजिए का आप लोग इसको देख लेना कि ये कैसे आता है ठीक है सोलह हजार दो सौ चार हजार पाँच सौ दस हजार आठ सौ हजार एंड दैट इज कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है सोलह हजार दो सौ प्लस चार हजार पांच सौ प्लस दस हजार आठ सौ प्लस हजार प्लस फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आपका आंसर आ जाता है राइट right, इसमें एक गलती ये हो गई कि ये दस हजार आठ सौ नहीं है ये दस हजार अस्सी है ये दस हजार अस्सी तो तो आपका फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड नहीं आएगा सिक्सटीन टू हंड्रेड प्लस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड एट्टी प्लस एटीन थाउजेंड एंड दिस कम्स टू फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी फोर्टी एट ठीक है सर ये हो गया है अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन फोर मे दो हजार अठारह में आया था चार नंबर का चार पॉइंटोर आप अपने आप को इसकी स्कोरिंग दीजिएगा तो फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर करता है द कंपनी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी पेड ऑन द परचे मेड और इनपुट सर्विस बाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है

कैपिटल गुड्स आउट ऑफ थ्री आइटम्स इन फॉर वन आइटम वॉज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दैट आइटम वॉज पच्चीस हजार रुपए तो अगर आपके पास इन नहीं है तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते तो ढाई लाख में से आप सिर्फ दो लाख पच्चीस हजार रुपए का ही क्रेडिट ले पाएंगे फिर लास्ट पॉइंट उटडोर कैटरिंग सर्विस कौन सी बात हो जाती है थे? तो ये इसका भी आपको कुछ नहीं मिलेगा तो दो लाख पच्चीस हजार रुपए आपका आंसर आ जाएगा और आउट ऑफ फोर आपका कितना स्कोर है वो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जरूर जलूल जलूल बताना ठीक चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव नोवर दो हजार अट्ठारह में चार नंबर के लिए आया था ये आपके एग्जाम में आइए इसको देखते हैं बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम लोग देखते ही देखते विफ डन टेन क्वेश्चंस

ठीक है जो भी मैंने इनपुट को परचेज किया उसको डायरेक्टली मिस्टर जो को डिलीवर करवा दिया मिस्टर मिस्टर डिलीवर जो जो भी करे उससे हमें क्या मतलब है मिस्टर जो जॉब वर्कर है है रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है उससे हम लोगों को क्या मतलब है ठीक है तो अच्छा उससे हम लोगों को ये मतलब है कि अगर ये रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं हुआ तो हम लोग इसका क्रेडिट कैसे ले पाएंगे अल्टीमेट कंज्यूमर हो जाएंगे तो इसका क्रेडिट नहीं लेंगे बट एनी बिल टू शिप टू मॉडल है बिल टू शिफ्ट मॉडल में चाहे आप कंज्यूमर को करवाओ चाहे आप कुछ भी करो

6 है आउट ऑफ आप लोग इसमें अपना स्कोर देंगे ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटीरियल बिल्कुल मिल जाएगा इन ऑफ ऑफ बिजनेस है इन एलिजिबल व्हीकल भी नहीं है तो इस एक लाख बीस हजार का तो डेफिनेटली आप लोगों को आई टी सी मिल जाएगा नेक्स्ट फूड एंड बेवरेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर कंजम्शन ऑफ एम्प्लॉज वर्किंग इन द फैक्ट्री तो ये तो आपका यहां पर तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है ना कि ये अंडर अटैचुट्री ऑब्लिगेशन है तो इस चालीस हजार रुपए का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा

कैपिटल गुड्स आउट ऑफ फाइव आइटम्स इन वॉइस फॉर वन ऑफ दी थाउजेंड रूपी ठीक है आपके पास इन नहीं है तो इस चार लाख में से पचास हजार माइनस कर दो और साढ़े तीन लाख रुपए का क्रेडिट आप ले सकते हो नेक्स्ट रॉ मेटीरियल टू तो बी रिसीव इन मार्च टू ये फेब्रवरी 2022 तो 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 की बात हो रही है ठीक फेब्री टी टू की बात हो रही है और सेक्शन सिक्स टू में जो कई सारे क्लॉजेस थे पांच क्लॉजेस थे उनमें से एक कंडीशन भी थी कि को गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए तभी आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो यहां पर क्योंकि गुड्स जो है वो मार्च में रिसीव होंगे तो रेसिपियंट के पास अगर गुड्स नहीं आए हैं तो रेसिपियंट इस वाले का क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकता तो इस डेढ़ लाख का कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि गुड्स जो है वो मार्च में रिसीव होंगे टोटल कर लेते हैं

मंथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बड़ी अच्छी बात है तो हो क्या जाएगा इन एलिजिबल मोटर व्हीकल तो इसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा मोटर व्हीकल परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद इन द फैक्ट्री इसका आपको बिंदास क्रेडिट मिल जाएगा दो लाख रुपए का आप क्रेडिट ले लीजिए फिर फॉर कंजम्पन इंप्लाइज दीज आइटम्स वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द्लॉज लीव ऑफ सर्विस रेंडेड बाई देम टू द मैनुफेक्चर इन द कोर्स ऑफ इंप्लायमेंट लेकिन स्टैचुटरी ऑब्लगेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका भी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज हम लोग अपने आप से अंडर अटैचुटरी ऑब्लिगेशन सारी सर्विस दी है लास्ट रेंट कैब फैसिलिटी अवेल्ड फॉर इम्प्लॉइज टू फुलफिल अस्टुट्री ऑब्लिगेशन इन दिस रिगार्ड गवर्मेंट है सी जी एस टी एक्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भले ही गवर्नमेंट ने सेक्शन के अंदर रेंट कैब को स्पेसिफाई किया हुआ है लेकिन वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर अंडर अ स्टैच्री ऑब्लिगेशन आपको ये करना पड़ता है अपने एम्प्लॉइज को घर भिजवाना पड़ता है तो फिर इन सर्विसेस पर आपको पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा तो आप ये छत्तीस हजार रुपए का क्रेडिट ले सकते तो अल्टीमेट आंसर आ गया आपका दो लाख छत्तीस हजार और आपका जो स्कोर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा पिछले 40 मिनट से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है आई एम श्योर आप लोगों का भी काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा ठीक है बस ट्वेंटी एट ट्वेंटी थर्टी चार क्वेश्चन हमारे पास बचे दैट्स इट राइट आओ देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड मैनुफैक्चर तो इसमें आउट ऑफ वन ही दे देना मतलब देखते हैं कि कितने कितने पॉइंट्स है इसमें और उसके हिसाब से आप अपना वो दी दे दीजिए ठीक है ई जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर विच इज इंगेज इन द सप्लाई टैक्सेबल गुड्स हेज परचेज टेन थाउजेंड केजीज ऑफ इनपुट फॉर टेन लाख रुपीज एक्सक्लूसिव ऑफ सी जी एस टी सिक्स परसेंट एंड एस जी एस टी सिक्सेंट ऑन विच इनपुटिट हेज बीन टेकन ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस इन मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस द सेड इनपुटेम ऑब्सोलीट एंडर वैल्यू हैज बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स एक्सप्लेन इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रीटमेंट इन दब केस ठीक है अब गुड्स जो है ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं अगर गुड्स ऑप्सलीट हो जाते हैं गुड्स डैमेज हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो क्या उन गुड्स के अगेंस्ट आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो तो, तो दी आंसर इज नो तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये ऑलरेडी ले चुके हैं छे परसेंट और छह परसेंट यानी बारह परसेंट ऑन दस लाख रुपए बारह परसेंट ऑन दस लाख रुपए कितना आता है बारह परसेंट ऑन दस लाख रुपए आपका एक लाख बीस हजार

वैल्यू एनी गुड्स इज रिटन ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट देंो इनपुट क्रेड शेल भी अलाउड इन रिस्पेक्ट द सेट गुड्स ठीक है तो अगर आपने वैल्यू इसकी राइट ऑफ कर लिया तो आपको उसके अगेंस्ट कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल जाएगा ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन को देखते हैं। इसका जो भी स्कोर है वन ऑन वन या जीरो ऑन वन वो आप दे दीजिएगा यहां पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पर आते हैं XYZ वाई जेड लिमिटेड इंगेज इन दप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है services, कॉन्ट्रैक्ट of immovable प्रॉपर्टी इट gives अ पार्ट ऑफ द construction वर्क टू a कॉन्ट्रैक्टर अच्छा तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पर अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो तो वो तभी हो सकता है अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाले बिजनेस में हो सेम लाइन वाले बिजनेस में हो तो आपने उससे सर्विसेज ली आगे दे दी सब कॉन्ट्रक्टर चार्ज इज जीएससीड लिमिटेड इनपुट टैक्स ऑफ जीएससी चार्ज बाई सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल मिल जाएगा ठीक है बिल्कुल बहुत आराम से मिल जाएगा बाकी आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो वन मार्क का ये वाला क्वेश्चन हो गया अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्टी देखते हैं एक बार XYZ लिमिटेड इज इंगेज इन द सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हमारा काम ही है पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन करना तो अगर ये गाड़ी खरीदेगा तो क्या इसको क्रेडिट मिलेगा ऑफकोर्स मिलेगा

and finally the last question for today xyz limited conducted its 50th annual general meeting at its head office in new delhi and availed services of delicious caterers on that occasion the annual general meeting may caterers ski services kiya.

यहां पर कोई स्टैचुट्री ऑब्लिगेशन नहीं है यहां पर कोई लॉ नहीं बोलता कि अगर आप एजीएम करोगे तो आपको आउटडोर केटरिंग सर्विसेज करनी पड़ेंगी तो फिर यहां पर भी आपको इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एंड द टैक्स लाइबिलिटी विल बी 15 लाख रुपीज का 18 परसेंट पंद्रह लाख रुपए का अट्ठारह परसेंट विल बी और टैक्स लाइबिलिटी तो एक्स वाइज इज नॉट अवेल आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन आउटडोर केटरिंग फ्रॉम टाइटलिंग सर्विसियसर आई होप यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियर है और आज की क्लास हमारी भले ही छोटी सी रही 44 मिनट्स की रही बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि कल वाला जो भी हम लोगों ने कुछ किया उसको आज क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग अच्छे से रिवाइज कर ले तो एल सी यू गाइज ऑन मंडे नाउ लेकिन जाने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उनको सब मैं ये बता देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाएगा तो आप बेसिकली अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आओगे अन अकेडमी की वेबसाइट पर आओगे स्कोर जरूर अपना कमेंट कर देना यार प्लीज ठीक है मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताना ठीक है चलो तो यहां पर आप लोग देख सकते हो वन की वेबसाइट है आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर सीए पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहां पर सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देंगे सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा पर पर आप गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करिएगा आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगे प्लस आइकॉनिक और लाइट आप तीनों के बेनिफिट्स देख सकते हैं अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं जब आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे यहां पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं निश्चेन और अप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो कि आज कितना चल रहा है आज ये चल रहा है टेन परसेंट so, तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा फिर आइकॉनिक के प्राइसेज है पॉसिबल डिस्काउंट मेरी मुलाकात अब आप लोगों से होगी मंडे को हम लोग सुबह सवा दस बजे मिलेंगे अन अकेडमी प्लस के मंजिल बैच में डीटी की क्लास के साथ ठीक है अपना ध्यान रखिए बाय